और बीजापुर जिले में नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद में बीजेपी के आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री महेश गांगड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महेश गांगड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजापुर इलाके में कांग्रेस नेताओं की नक्सलियों से मिलीभगत है। बीजेपी नेता गांगड़ा ने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने नक्सली और कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है, ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री पकड़े गए हैं। बीजेपी नेता के आरोप पर प्रदेश कांग्रेस संचार के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि ब्लॉक महामंत्री का पता लगवा रहे हैं, किसी भी दल से जुड़ा व्यक्ति हो यदि उसने अपराध किया है तो अपराध खत्म नहीं हो जाता है, उसकी गंभीरता से जांच होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नक्सलियों का दंश खुद झेल चुकी है और पार्टी ने नक्सली हमले में कई नेता खो चुके हैं। ये लगातार हम आरोप लगाते आ रहे हैं, राम जो स्थानीय विधायक है उससे कार्यशैली उसका व्यवहार में, आप सब भी इस बात स्वाभाविक होंगे कि वहां के जो विधायक है स्थानीय तौर पर जब बात करेंगे, और मैंने इसकी बात की कि आज एक कांग्रेसी नेता नक्सली साहब पकड़ा गया है, और कांग्रेस की नेता जो राज्य विभाग के सदस्य हैं उसने भी आरोप लगाया था, मीडिया के माध्यम से लगाया था, स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने अवगत भी कराया है कि स्थानीय विधायक को और कुछ नेताओं का सीधा सीधा नक्सलियों से संबंध है। देखिए, अन्वेषण का विषय है कि जिस व्यक्ति के बारे में कांग्रेस के ब्लॉक का महामंत्री होने का दावा किया जा रहा है वो है या नहीं है इसका पार्टी पता लगवा रही है। निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से जुड़ा होने के कारण यदि उसने अपराध किया है तो न उसका अपराध कम हो जाता ना अपराध की गंभीरता।